नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन की हुई शुरुआत, स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति पर जोर। झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन यानी कि स्कूल रुवार 22 की शुरुआत हुई है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में 5 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को वापस लाने और नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम 5 अप्रैल से 4 मई 2022 तक चलेगा। आप सबको बता दूं कि दीप प्रज्वलित कर रांची में स्कूल रुवार 22 की शुरुआत करते हुए बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण लगभग 2 साल तक विद्यालय बंद रहने के बाद वर्तमान में काफ़ी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं रहे, इस अभियान के तहत इस पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। वहीं ADPO रांची ने अभियान के तहत किए जाने वाले क्रियाकलापों की विस्तार से जानकारी भी दी। अभियान के दौरान यह भी समीक्षा की गई कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा पास कर उच्च कक्षाओं में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कहीं छात्र छात्राएं ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहे हैं। इसके लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालयों का उच्च विद्यालयों के साथ मैपिंग करने को कहा गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों समेत अन्य को चिन्हित कर डहर ऐप से चिन्हित कर नामांकन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। पंचायत चुनाव में नहीं होगा नोटा का विकल्प, बैलेट पेपर के लिए निर्देश जारी, नामांकन दाखिल करने का शुल्क निर्धारित। चुनाव में नोटा का उपयोग कर कोई भी नागरिक उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन झारखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिए निर्देश में इसका उल्लेख किया है। आयोग ने इसके साथ ही विभिन्न पदों के चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर का रंग तथा उसमें उम्मीदवारों के नामों आदि के मुद्रण का भी निर्धारण कर दिया है। बैलेट पेपर पर काले रंग में अभ्यर्थी के नाम, चुनाव चिन्ह तथा अन्य प्रविष्टियां अंकित रहेगी। पंचायत चुनाव EVM की बजाय बैलेट पेपर पर होगा। आयोग ने जारी दिशा निर्देश में नामांकन की जगह तथा नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दिया है, जो 50 से 500 रुपये के बीच है। ग्राम पंचायत के सदस्य तथा ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित प्रखंड कार्यालय होगा। इसी तरह पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए संबंधित अनुमंडल कार्यालय तथा जिला परिषद के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित जिला मुख्यालय संबंधित निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय होगा। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये तक किए गए हैं। यदि उम्मीदवार महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में है तो उसे 50 रुपये ही देने होंगे। आप सबको बता दूं कि ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये होगा, लेकिन महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति के लिए मात्र 125 रुपये ही देना होगा। उसी तरह जिला परिषद के सदस्य पद के मामले में नामांकन शुल्क 5 रुपये है, लेकिन महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है तो उनके लिए 250 रुपये होगा। नामांकन शुल्क किसी भी तरह वापस नहीं होगा। एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा, साथ ही निर्धारित शुल्क भी अलग से भुगतान करना होगा। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत चुनाव को लेकर कह दी अहम बात। झारखंड में तापमान बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। झामुमो के अंदर खिंचातानी जारी है। विधायक लोबिन हेमरम और सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। वहीं कांग्रेस के विधायक और मंत्री दिल्ली में है। इस बीच झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने उनसे कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने की जरूरत है। खबर है झारखंड के सरायकेला से। पंचायत चुनाव को लेकर सरायकेला DC ने की बैठक, बोले अनुमंडल स्तर पर बनेगा स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर DC अरवा राजकमल ने समाहरणालय में अपने अधीनस्थ अधिकारियों संग बैठक किया। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव कराने संबंधित चर्चा हुई। DC ने जिले में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। इसके तहत चांडेल अनुमंडल और सरायकेला अनुमंडल में 2 चरणों में चुनाव कराने की बात कही। DC श्री राजकमल ने कहा कि शुरुआती 1-2 सप्ताह में चुनाव संबंधित प्रचार प्रसार एवं उसके बाद नॉमिनेशन होगा। चुनाव EVM मशीन के बजाय मत पत्र से होगा, इसके लिए उन्होंने जिला में उपलब्ध मत पेटी की जानकारी हासिल किया।
चुनाव के बाद अनुमंडल स्तर पर ही मतगणना होगा और स्ट्रांग रूम भी अनुमंडल स्तर पर ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में नक्सल को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सुरक्षा भी चाक चौबंद रहे। जिला में मुखिया के 132 और जिला परिषद के 17 सीटें हैं। चुनाव को लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सीटों में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहे, इसके लिए खास तैयारी करने की जरूरत है। डीसी श्री राजकमल ने कहा कि सभी बीडीओ और सीओ की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी बूथ पर सीसीटीवी की व्यवस्था, सुरक्षा बल की तैनाती तथा बूथ की विधि व्यवस्था का भौतिक निरीक्षण खुद करे। साथ ही निर्देश दिया कि सभी सीनियर पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर निष्पक्ष होकर कार्य करें। कहा कि मतदाता को सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है, वहीं असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने पर जोर दिया ताकि विधि व्यवस्था में खलल ना पड़े। खबर है झारखंड के देवघर से। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को नागर विमानन निदेशालय से मिला क्लियरेंस, कब शुरू हो रही है विमान सेवा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को नागर विमानन निदेशालय यानी कि DGCA नई दिल्ली से क्लियरेंस मिल गया है। निदेशालय ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के सभी मानकों पर संतुष्टि जताते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को रिपोर्ट भेज दी है। अब जल्द निदेशालय से विधिवत रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देवघर यूनिट को DGCA का लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। नागर विमान निदेशालय ने शुरुआत में देवघर एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा शुरू करने का क्लियरेंस दिया है। DGCA के क्लियरेंस के अनुसार देवघर एयरपोर्ट से अभी रात्रि विमान सेवा शुरू नहीं होगी, संसाधन अधिक बढ़ने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट और 24 घंटे विमान सेवा शुरू हो पाएगी। आप सबको बता दें कि झारखंड के देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले PMO के निर्देश पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देवघर यूनिट से देवघर एयरपोर्ट की पूरी तैयारी की 1x1 रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री द्वारा देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा PMO को देवघर एयरपोर्ट की फाइनल तैयारी की रिपोर्ट भेजे जाने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की तिथि PMO के स्तर से घोषित की जा सकती है। झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को TMS से मिली छुट्टी, आराम करने की दी सलाह, लू लगने से हुए थे बीमार। झारखंड के परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत में सुधार के बाद मंगलवार की सुबह उन्हें TMS से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने उन्हें घर पर 2-3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। डिहाइड्रेशन और लू लगने के कारण उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। आप सबको बता दें कि तबीयत खराब होने पर उन्हें TMS में भर्ती कराया गया था। आप सबको बता दें कि मंत्री चंपई सोरेन ने TMH में भर्ती होने के बाद ट्वीट कर जानकारी दी थी कि डॉक्टरों के अनुसार चिंता की कोई बात नहीं है, अब वे काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर आप सभी के बीच वापस आएंगे। बेहतर स्वास्थ्य के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। इस दौरान डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी है। झारखंड में इस साल कैसी होगी बारिश, पाहन ने सरहुल के मौके पर की भविष्यवाणी। सरहुल पर पाहनों ने सरना स्थल पर पिछली रात रखे गए घड़ों के पानी का स्तर देखकर बारिश का पूर्व अनुमान लगाया। कुछ पाहन ने कहा कि इस साल बारिश सामान्य है, उत्तर दिशा की ओर से बारिश ज्यादा होने की संभावना है। पूजा के क्रम में उन्होंने सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की, साथ ही प्रकृति के प्रति अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी। झारखंड के किसानों को धान बिक्री की दूसरी किस्त का भुगतान होगा जल्द, पहले मिल चुका है 557.92 करोड़ रुपये। झारखंड राज्य के 1,31,000 किसानों ने अब तक सरकार को लगभग 70 लाख क्विंटल धान बेचा है। इसमें से 1,03,000 किसानों को पहली किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 50% राशि का भुगतान किया गया है। आप सबको बता दूं कि किसानों को दूसरी किस्त की राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है। समय पर राशि भुगतान को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। धान क्रय की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। प्रयास है कि निर्धारित 80 लाख क्विंटल धान की खरीद हो जाए। किसानों को 557.92 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। शेष लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है। कद्दू भात के साथ शुरू हुआ चैती छठ महापर्व, आज होगा खरना। मंगलवार को नहाए खाए के साथ चैती छठ महापर्व शुरू हो गया।
चैती छठ को लेकर व्रतियों ने सुबह से ही तैयारी कर ली थी। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद व्रतियों ने बिना खाए कद्दू भात की विधि के अनुसार बनाया, जिसका ग्रहण कर आज खरना की तैयारी कर रही है। खरना का समय बुधवार को यानी आज शाम 6:30 के बाद है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि छठ पर्व पर छठ देवी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व पूरी तरह से सफाई और स्वच्छता से जुड़ा है। माना जाता है कि इस गर्मी के चैती छठ पूजा में 36 घंटे निर्जला रख व्रत करना काफी कठिन होता है। इस पूजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आप सबको बता दें कि अधिकतर व्रतियों ने अपने घरों में ही सूर्य को अर्घ देने के लिए जलकुंड बनाया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।